hello students this is your second video from third chapter of science which is synthetic fibers and plastics so today we are gonna get the information about the characteristics of synthetic fiber The synthetic fiber key characteristics can imagine that it is a rainy day what kind of umbrella would you use and why up सोचो इमेजिन करो कि ये जो है एक बारिश का दिन है कोई बारिश का दिन है और उस दिन आपके पास अम्ब्रेला हो तो कौन से वाला अम्ब्रेला हो? और आप उसको क्यों यूज़ करेंगे आपके पास दो अम्ब्रेला हैं एक अम्ब्रेला है जिसपे सिंथेटिक फाइबर का कवर लगा हुआ है और एक अम्ब्रेला है जिसके ऊपर नॉर्मल कपड़ा है तो आप इनमें से कौन सा यूज़ करेंगे एंड वाई सिंथेटिक फाइबर्स पॉजेज यूनिक करेक्टरिस्टिक्स विच मेक एकदम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स तो इन सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ यूनिक करेक्ट्रिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हैं ड्रेस मटेरियल्स बनाने में दे ड्राईट अप क्विकली वो जल्दी सूख जाते हैं ड्यूरेबल लंबे टाइम तक वो काम आते हैं लेस एक्सपेंसिव सस्ते हैं रियडली अवेलेबल आसानी से मिल जाते हैं एंड ईजी टू मैंटेन और इनको मेनटेन करके रखना आसान है परफॉर्म द फॉइंग एक्टिविटी विट यू एंड लर्न फॉर योर सेल्फ आप खुद से लर्न कर सकते हैं ये एक्टिविटी करके कि ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर इसका आंसर भी मिल जाएगा अगर आप ये एक्टिविटी करते हैं दैट वट काइंड ऑफ एम्बरेला वुड यू यूज इन अ रेनी डे इसका रीजन क्या है इसके लिए एक्टिविटी है टेक टू क्लॉथ पीसेज ऑफ द सेम साइज और उनको क्या करना है आपने वाटर में डिप कर देना है जो दो क्लॉथ पीसीज हैं वन शुड बी फ्रॉम नेचुरल फ़ाइबर एंड द अदर कुड बी ऑफ सिंथेटिक फाइबर ठीक है एक नेचुरल फाइबर का कपड़ा ले लो एक सिंथेटिक फाइबर ले लो यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेज आपके पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो सोक द पीसेज इन डिफरेंट मग ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर दो मग में उनको डुबो दो मग में सेम क्वांटिटी होनी चाहिए वाटर की और पीसेज अलग अलग हैं एक वाटर की है आपका नेचुरल फैब्रिक है और दूसरा जो है आपका सिंथेटिक फाइबर है फाइव मिनट के लिए उनको सॉक करना है उसके बाद धूप में सुखा दो और फिर चेक करो कि कौन जल्दी सूखता है ठीक है यहां से आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो आपके सिंथेटिक फाइबर हैं वो कम पानी सॉक करते हैं दे सॉक लेस वाटर दे एब्जॉर्ब लेस वाटर हु सिंथेटिक फैब्रिक सिंथेटिक फैब्रिक कम पानी कंज्यूम करते हैं ठीक है इसलिए हम सिंथेटिक फाइबर के अम्ब्रेला को रेनी डे पर ज़्यादा कोशिश करेंगे उसको यूज़ करने की हम उसको प्रायोरिटी देंगे, देंगे ओके नाउ कम्स द प्लास्टिक व्हाट इज़ प्लास्टिक यू मस्ट बी फेमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज एवरी डे आप बहुत सारे प्लास्टिक अपने आस में अपने घर में टॉयज हैं पेन है और आपके किचन यूटेंसिल्स हैं आपके बहुत सारी चीज़ें हैं टेबल चेयर है जो कि प्लास्टिक से बनी हुई है ठीक है तो इनकी एक आप लिस्ट भी बना सकते हैं अपने आसपास में सराउंडिंग्स में देख करके प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर तो जैसे सिंथेटिक फाइबर एक पॉलीमर है सेम वैसे ही प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स को कंबाइन करके बनाया गया है इसको भी ठीक है और उसकी अरेंजमेंट दो तरीके से हो सकती है फिगर ए फिगर थ्री पॉइंट सिक्स में जो ए पोर्शन दिख रहा है लीनियर है ये और दूसरा जो अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स है वो है क्रॉस लिंक्ड जो आपको थ्री पॉइंट सिक्स के बी पोर्शन में दिख रहा है इट इज लीनियर वेर इट इन अदर इट इज क्रॉस लिंक तो ये दो तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है लीनियर भी हो सकता है और क्रॉस लिंक भी हो सकता है प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस एज यू कैन सीन फिगर थ्री पॉइंट सेवन तो आप देख सकते हैं फिगर थ्री पॉइंट सेवन में कि अलग अलग साइज में अलग डिजाइन में अलग कलर में हो सकते हैं प्लास्टिक तो so, इसके पीछे रीजन क्या हैविया वंडेड हाउसेज इज पॉसिबल तो ये अलग शेप और साइज में अलग कलर में कैसे पॉसिबल है द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज ईजिली मोल्डेबल मतलब इसको आसानी से मोड़ा जा सकता है इसको बैंड किया जा सकता है कोई भी शेप दे सकते हैं कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म इसको कोई भी शेप दी जा सकती है प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड इसको फिर से रिसाइकल कर सकते हैं मतलब इसको पिघला के फिर से नई प्लास्टिक की चेयर बना सकते हैं री दोबारा से यूज़ कर सकते हैं जैसे वाटर बॉटल लेके आते हो डिस्ट्रिल वाटर की जो पानी की बोतल खरीदते हो पीने के बाद उसको फिर से भी तो यूज़ कर सकते हैं ना उसमें सिंपल अपना पानी डाल के और उससे भी काम चला सकते हैं कलर्ड उस पर अलग अलग कलर कर सकते हैं मेल्टेड मेल्ट melt कर सकते हैं रोल करके शीट बना सकते हैं मेड इंटू वायर और वायर भी बनाई जा सकती है दैट्स वाई इट इज़ फाइंड सच ए वराइटी ऑफ यूज इसलिए जो प्लास्टिक के बहुत सारे हमें आपको घर में आइटम दिख जाते हैं हम हम प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पॉलीथीन जो है पॉलीथीन इज आल्सो ए प्लास्टिक एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक एंड इट्स अ पॉलीमर मेडअप ऑफ पॉली इथीन मतलब मैनी इथीन आर यूज फॉर मेकिंग पॉलीथीन जो कि गवर्नमेंट ने बैन करने के लिए बोला कि एटलीस्ट पॉलीथीन कम से कम यूज करें जिससे कि पॉल्यूशन पे कंट्रोल हो सके ठीक है यू विल ऑब्जर्व दैट ओके नाउ ट्राई टू बैंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ एक प्लास्टिक है कोई सॉफ्ट उसको बैंड करने की कोशिश करो कर पाओगे कि नहीं आप आसानी से कर सकते हो यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बैंड ईजिली वेल सम ब्रेक विद वैन फोर्स टू बैंड तो कुछ प्लास्टिक तो ऐसे हैं जो बैंड हो जाते हैं आसानी से कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा जोर लगाने पर फोर्स लगाने पर टूट जाते हैं वैन वी एड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बॉटल इट गैस्ट डिफोर्म्ड अगर प्लास्टिक की बोतल में अगर हम गर्म पानी डाल देते तो वो पिचक जाती है हमने देखी है ना डिफोर्म्ड हो जाती है सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफोर्म्ब ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड ईजिली आर नॉन एज थर्मो तो ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने से बैंड हो जाते हैं सिकुड़ जाते हैं जिनको मेल्ट किया जा सकता है और रीशेप कर कर सकते हैं उनको दोबारा से रीशेप दे सकते हैं दे आर नॉन एज थर्मो प्लास्टिक पोलीथीन एंड पी वी सी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मो प्लास्टिक दीज आर यूज फॉर मैनुफेक्चरिंग टॉयज कॉम्ब एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच वन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्ट बाई हीटिंग तो कुछ ऐसे भी प्लास्टिक हैं जिनको एक बार मोल्ड करके हमने कुछ शेप दे दी तो दोबारा से उनको हीट करके मेल्ट नहीं कर सकते वो खराब हो जाएंगे दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्ला प्लास्टिक थर्मोसेटिंग मतलब एक बार गर्म करके सेट कर दिया वो वैसा ही रहेगा उसको दोबारा गर्म करने पर वो खराब हो जाएगा टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलेमाइन बेकेलाइट और मेलेमाइन जो हैं ऐसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये जो बेकेलाइट है ये इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का बैड कंडक्टर है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है करंट नहीं लगता है इसलिए हम इनसे बनाते हैं स्विच बोर्ड्स ये जो आपको फिगर में दिख रहे हैं ना स्विच बोर्ड बनाते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचज हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स मेलेमाइन इज़ अ वर्सटाइल मटेरियल मेलेमाइन जो है उसको कई जगह यूज़ कर सकते हैं इट रेजिस्ट फायर एंड कॉन कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक तो ये फायर को भी रेजिस्ट कर सकता है फायर में ये जलता नहीं है आग लगने पर और, और ये बहुत ज़्यादा गर्मी को भी बर्दाश्त कर सकता है एज़ कंपेयर टू दूसरे एनी अदर प्लास्टिक इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स तो मेलेमाइन को फ्लोर टाइल में यूज़ करते हैं किचनवेयर में यूज़ करते हैं और फैब्रिक में विच रजिस्ट फायर तो ऐसा फैब्रिक जो फायर रजिस्ट करता है तो आप कह सकते हैं कि मेलेमाइन को जो है फायरमैन यूज करते हैं जो आग बुझाने का काम करते हैं उनकी ड्रेसेस में मेलेमाइन होता है द फिगर थ्री पॉइंट एट शोज द वेरियस यूजेज ऑफ थर्मो प्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ठीक है तो ये जो आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं जो ऊपर वाले प्रोडक्ट हैं ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हैं जो नीचे वाले हैं ये थर्मो प्लास्टिक से बने हैं प्लास्टिक्स आर मेटेरियल ऑफ च्वाइस ओके इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम ओके स्टूडेंट्स कीप स्टिंग बाय बाय